समाजवादी पार्टी के नेता और कैराना विधायक नाहिद हसन को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाहिद हसन पर धोखाधड़ी और गबन का मामला चल रहा था, जिस पर अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक नाहिद हसन अब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत यानी जेल में रहेंगे। मामला धोखाधड़ी और गबन का है। पहले मुकदमा दर्ज हुआ, कानूनी कार्रवाई हुई और अदालत ने सलाखों के पीछे भेज दिया, मगर विधायक जी का क्या कहना है, आइए पहले वो आपको सुनाते हैं। और पहले भी बहुत छोटा सा जनता के लिए जो है, मैं इससे भी ज्यादा कोई भी मामला नहीं है। भैया इससे पहले होना चाहिए, वहाँ जमानत हो गई, ठीक है, दबाव है। दरअसल कैराना कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने साल 2018 में कैराना सपा विधायक नाहिद हसन समेत 9 लोगों पर जमीन की धोखाधड़ी के मामले में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 80 लाख रुपयों की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही विधायक कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। नाहिद हसन जी को एक मुकदमे में जो मोहम्मद अली द्वारा कायम किया गया था, उसमें जमानत की सुनवाई आज होनी थी। एक हफ्ता पहले अंतरिम जमानत दे दी गई थी उनको। वो सरेंडर किया उन्होंने, और सरेंडर करने के बाद जमानत पर बहस हुई और न्यायालय द्वारा जमानत को निरस्त कर दिया गया। जबकि इस मुकदमे में नाहिद हसन पर FIR के अंदर कोई भी आरोप नहीं था। कैराना सपा विधायक नाहिद हसन को न्यायालय द्वारा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के मामले पर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो कानून के अनुरूप हो रहा है। जो जमीन संबंधी धोखाधड़ी का मामला था, इसी प्रकरण में विधायक कैराना नाहिद हसन की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई थी। आज माननीय न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बहरहाल नेताजी जेल में हैं। अभी और कितने दिनों तक उन्हें सलाखों के पीछे रहना होगा, ये आगे की कानूनी कार्रवाई से साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।